तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वट इज अ कन्वेंशनल व्हीकल एंड बेसिक्स ऑफ व्हीकल परफॉर्मेंस सो स्टार्ट दिस टॉपिक सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ क्वेश्चन इन अवर माइंड दैट वॉट आर कन्वेंशनल व्हीकल्स तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल व्हीकल्स किसे कहते हैं सो so, यदि हम बात करें दो व्हीकल्स विच यूज ओनली इंटरनल कंबेशन इंजन तो जो भी ऐसे व्हीकल्स हैं जिनमें आईसी इंजन ही यूज होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं कन्वेंशनल व्हीकल्स बोलते हैं। यदि हम दूसरा देखें तो उसमें और नो एनी अदर सोर्स ऑफ पावर इज देयर ओनली आईसी इंजन इज द पावर सो दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल इफ वी विल टॉक अबाउट द परसेंटेज ऑफ कन्वेंशनल व्हीकल ओवर द मॉडर्न व्हीकल वी कैन सी दैट इन नाइन Uh, 2019, we have approximately 91% टू थाउजेंड नाइनटीन वी हैल वर्ल्ड एंड अबाउट नाइन परसेंट अदर वहीकल्स इंक्लूडिंगलो इट इज नॉट लाइक दिसन इज द ओनली काइंड ऑफ इंजन हमारे पास आईसी इंजन की भी काफी सारी स्टेजेस आई हैं. तो जब आईसी इंजन स्टार्ट हुआ था 1800 सेंचुरी में तब हम देखते थे दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन आईसी इंजन और उसमें जो था एफोर्डेबल पे ध्यान दिया गया था और रिलायबल हो वो तो उस पर ध्यान दिया गया था उसी तरह से आईसी इंजन टू आया जिसके अंदर में इमिशंस जो कंप्लेन थी उनको दूर किया गया साथ में ही उनके कन्वीनियंट जो वर्किंग था उस पर ध्यान दिया गया आईसी इंजन थ्री आया जिसके अंदर इमिशंस पे ध्यान दिया गया और फ्यूल इफिशियंट बनाया गया इसी तरह से आईसी इंजन फोर आया जिसके अंदर में हाइब्रिड एंड कनेक्टेड जो था टेक्नोलॉजी वो उसके अंदर में आई है और फुल्ली फ्लेक्सिबल इसके अंदर में आ, पावर ट्रेन रखा गया है तो इस तरह से आईसी इंजन की भी कई सारी जनरेशन हम लोग अब तक देख चुके हैं ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट वॉट आर आईसी इंजन और वी कैन कॉल इंटरनल कंबेशन इंजन कहते किसको इंटरनल कंबेशन इंजन तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं तो यहां पर मैं इसलिए इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज नॉट ओनली फॉर मैकेनिकल बट इट इज ऑल्सो फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फॉर

वट वी हैव कि एक कंबेशन चैम्बर में हम लोग कुछ फ्यूल डालते हैं साथ में हम ऑक्सीडाइजर डालते हैं ऑक्सीजन और जब वो बर्न होती है तो हमारे को वो क्या करती है हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करती है तो बेसिकली इंटरनल कंबेशन इंजन एक हीट इंजन है ओके देन एन इन एन इंटरनल इंजन द एक्सपांशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैसेस प्रोड्यूस बाई कम्बेशन अप्लाइ डायरेक्ट फोर्स ऑन समोनेट ऑफ द इंजन तो हम देखते हैं कि जो होता है जब उसके अंदर में बर्निंग होती है फ्यूल की तो उससे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और वो क्या करती हैं कहीं ना कहीं फोर्स डालती हैं किसी पार्ट पे इंजन के तो द फोर्स अप्लाई टिपिकली टू पिस्टन टर्बाइन ब्लेड्स अ रोटर और अ नोजल तो कई अलग अलग फॉर्म के अंदर इंटरनल कंबेशन इंजन को हम आउटपुट लेते हैं यदि हम आ, स्पेशली कार्स की बात करें तो वहां पर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है तो जो वो गैसेस बनी है वो क्या करती है पिस्टन को पुश करती है और अपनी पावर उसको डिलीवर करती है सिमिलरली टर्बाइन में ब्लेड्स को करती है रोटर एंड नोजल्स तो अलग अलग वेरायटी हो सकती है द फोर्स मूव द कंपोनेंट ओवर अ डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल एनर्जी इंटू यूजफुल वर्क तो क्या होता है जो फोर्स पैदा हुआ है बिकॉज ऑफ दैट कम्बशन गैसेज तो वो क्या करता है उस पिस्टन को कुछ डिस्टेंस तक के लिए पुश करता है और बहुत पावर के साथ पुश करता है तो यही एक कन्वर्जन है किसका आपकी केमिकल एनर्जी जो बर्न हुई उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया वर्क डन में कन्वर्ट कर लिया सो दिस इज हाउ अवर इंटरनल कंबेशन वर्क तो यहां पर आप एक एनिमेशन देख पा रहे हैं तो यहां पर आपको दिख रहा है कि जैसे ही फ्यूल आता है ऊपर से वॉल खुलता है तो वॉल के बाद वो क्या होता है यहां पर आप देख पा रहे हैं ये पिस्टन अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं और जब वो फर्स्ट स्ट्रोक होता है तब तो वो फ्यूल अंदर आता है तो सक्शन होता है फिर ये ऊपर जाता है तो उस फ्यूल को कंप्रेस करता है और जैसे ही फ्यूल कंप्रेस होता है तो क्या करता है यहां पर स्पार्क इग्निशन होता है और जैसे स्पार्क होता है तो वो फ्यूल बर्न होता है तो वो बर्न होते ही वापस गैसेस बनेगी बहुत तेजी से और एक्सपांड होगा तो ये थर्ड स्टेज में जो पिस्टन है ये अपने आप बहुत फोर्सफुली नीचे जाता है और उसके बाद लास्ट स्टॉक होता है एग्जॉस्ट तो जब ये ऊपर आता है तो आउटलेट पोर्ट खुल जाता है और जितनी भी गैसेज है वो बाहर निकल जाती है तो ये चार साइकिल में फोर स्ट्रोक इंजन लगातार चलता रहता है यहां पर केम शाफ्ट है जो दोनों साइड आप देख रहे हैं ये ऑपरेट करती है आपके जो वॉल्स हैं तो उसके हिसाब से ये खुलते हैं और बंद होते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं थ्री केम्स लग रही हैं आपकी लेफ्ट साइड में थ्री केम्स राइट साइड में इसका मतलब है कि यहां पर एक इनलेट है एक आउटलेट है तो थ्री पेयर यहां पर लगे हैं इसका मतलब थ्री पिस्टन सिलेंडर है ये तो यहां पर आप देख पा रहे हैं तो जब ये पिस्टन अप एंड डाउन मूवमेंट करता है तो ये अपनी एनर्जी किसको देता है यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड क्रैक शाफ्ट तो ये क्रैंकशाफ्ट को रोटेट कर रहा है और क्रैंकशाफ्ट भी स्पेशली डिजाइंड होती है तो ये क्या करती है वन बाय वन पावर लेती है और लगातार घूमती रहती है और ये अपनी पावर जो होती है क्रैंकशाफ्ट क्या करती है अपने फ्लाईवील को देती है बाहर एक हैवी फ्लाईवील होता है तो वहां पर इसकी अपनी एनर्जी देता है और इसके बाद हम आगे उसको ट्रांसमिशन में भेजते हैं तो दिस इज अ बेसिक वर्किंग ऑफ अ इंटरनल कंबेशन इंजन ओके सो यदि हम बात करें इंटरनल कंबेशन इंजन की तो दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स वन इज पेट्रोल इंजन वन इज डीजल इंजन तो यहां पर हम समझ लेते हैं कि पेट्रोल इंजन किस पे काम करता है जब हम पेट्रोल को इनलेट में लेते हैं तो वहां पर क्या होता है स्पार्क की जरूरत होती है उसको जलाने के लिए तो हम देखते हैं स्पार्क प्लग हमारी गाड़ियों में लगे होते हैं वो क्या करता है स्पार्क देने का काम करते हैं तो हर साइकिल में ही वो क्या करते हैं जैसे ही पहले साइकिल के अंदर में आप देख पा रहे हैं पहले साइकिल में नया यहां से आपके पास में क्या हुआ फ्यूल एंटर करता है दूसरे में ये कंप्रेस होता है और कंप्रेस होते ही यहां पर क्या होता है स्पार्क प्रोड्यूस होता है और स्पार्क प्रोड्यूस होते ही वो जल जाता है तो रेड कलर में आप देख रहे हैं वो क्या है बर्निंग है और गैसेस निकलती है तो वो उसको पिस्टन को पुश करती है नीचे और जैसे ही पिस्टन नीचे पुश होता है तो क्या करता है वो नीचे आप देख रहे हैं ये क्रैंकशाफ्ट है और उसके बाद क्या होता है वो क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है और लास्ट स्टेज होती है फोर्थ दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्ट और एग्जॉस्ट में क्या होता है चौथे स्ट्रोक एग्जॉस्ट होता है तो ये पोर्ट खुल जाता है रेड वाला और यहां से सारी गैसेज बाहर निकल जाती है तो इस तरह से ये लगभग काम करता है तो यहां पर जो बर्निंग का काम करता है वह करता है स्पार्क इग्निशन तो यह पेट्रोल में होता है दिस इज पेट्रोल इंजन इसके अलावा पेट्रोल इंजन के अंदर में जो ऐसा इंजन होते हैं उसके अंदर में हम इथेनॉल ब्लैंड भी यूज करते हैं अदर देन पेट्रोल वी कैन ऑल्सो यूज एलपीजी और वी कैन यूज नेचुरल गैस तो ये तीनों ही स्पार्क इग्निशन या पेट्रोल गाड़ियों में यूज किए जा सकते हैं

उसमें ऊपर से हम लोग इंजेक्टर के थ्रू डीजल अंदर स्प्रे करते हैं तो हम जैसे ही अंदर डीजल स्प्रे करते हैं तो अंदर से पहले से इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि जैसे ही अंदर में डीजल आता है तो वो सेल्फ बर्निंग हो जाता है और जैसे ही वो अंदर आता है वैसे ही वो बर्न होने लगता है और बर्न होने के साथ ही वहां पर क्या होती है वापस से गैसेस प्रोड्यूस होती है जो कि इस पिस्टन को वापस आगे भेजने का काम करती है और फिर फाइनली फोर्थ स्ट्रोक में ये एग्जॉस्ट हो जाता है तो आप यहां पर देख पा रहे हैं यदि हम सी आई इंजन और एस SI आई इंजन को कंपेयर करें तो जो बेसिक फर्क है देखने के लिए सबसे पहला वो यही है कि यहां स्पार्क प्लग होता है और यहाँ पर आपका फ्यूल इंजेक्टर होता है ठीक है जिसमें से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है जब हमारा जो एयर है जब हम उसको कंप्रेस कर देते थे उस स्टेज के बाद ठीक है और जो दूसरी बात है वो ये यह है यहां पर कि जो आपके पास में इंटेक है वो क्या हो रहा है यहां पर आपका फ्यूल एयर का मिक्सचर आ रहा है यहां पर ऑक्सीजन भी साथ में आ गई है और फ्यूल भी आ गई है और दोनों एक साथ अंदर आ चुके हैं जबकि यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन या एयर बोल लीजिए वो अंदर आ रही है और फ्यूल बाद में आ रहा है ठीक है तो इस तरीके से हमारे पास में ये डीजल इंजन काम करता है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीआई इंजन और यदि हम यहां पर एक ग्राफ देखें तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर सबसे पहला जो स्ट्रोक है इनटेक स्ट्रोक है नीचे जा रहा है फिर ये कंप्रेस हुआ फिर उसके बाद में फ्यूल इंजेक्ट हुआ और एक्सपांड हुआ और लास्ट में एग्जॉस्ट हो गया तो इस तरीके से ये हमारे को पूरा का पूरा साइकिल शो कर रहा है तो आप इसके साथ में पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को प्लस इसका प्रेशर क्या कैसा रहता है और टेम्परेचर कैसा रहता है उसको भी आप लगातार देख सकते हैं तो जैसे ही आपके पास में ये देखिए एयर सक्शन हो रही है तो बिल्कुल आपके पास प्रेशर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके बाद हम एकदम से क्या करते हैं इग्नाइट कर देते हैं अपने सॉरी अपने आप फ्यूल को इंजेक्ट कर देते हैं तो वो वहां पे बर्निंग होता है और बर्निंग एकदम से ज्यादा टेम्परेचर होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो इस तरीके से ये यह साइकिल पर आपको शो की हुई है तो जो डीजल इंजन होता है उसके अंदर में हम लोग या तो मिनरल डीजल यूज कर सकते हैं या फिर हम बायोडीजल यूज कर सकते हैं तो बायोडीजल भी आप लोगों ने देखा है और आजकल कई डीजल प्लांट्स के अंदर में बायोडीजल को ब्लेंड किया जा रहा है मिक्स किया जा रहा है कुछ प्रोपोर्शन में फाइव परसेंट सेवन परसेंट इस तरीके से दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट योर पेट्रोल एंड डीजल इंजन सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस नाउ लेट्स दैट इज कॉल्ड बेसिक्स ऑफ व्हीकल परफॉर्मेंस तो बेसिक ऑफ व्हीकल परफॉर्मेंस जो है वो सारी जो बात डिपेंड करती है वो किस पर करती है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे तो हमें यहां पर पहले ये समझना होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इट स्टेट दैट द ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स तो देखिए जो भी एसेलरेशन होती है ए जिससे हम डिनोट करते हैं वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है तो यदि, तो यदि तो ठीक है तो जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहा है मास इंटू तो यदि हम दो कंडीशन देखेंगे एक में हम मास को कांस्टेंट रखेंगे एक और एक के अंदर में हम लोग मास को वेरी करेंगे तो हम देखेंगे कि फोर्स को हमारे को ज्यादा लगाना पड़ रहा है या नहीं तो इस तरीके से इसको समझने के लिए हम सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं तो यहां पर आपको दिख रहा है कि एक साइड में पतला आदमी लगा है और एक साइड में फैटी पर्सन बैठा हुआ है झूले पे और जो बीच में आदमी खड़ा है वो बराबर फोर्स दोनों को देता है तो हम ये मान लेते हैं कि फोर्स यहां पर कॉन्स्टेंट है ठीक है तो एफ की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई दोनों को बराबर फोर्स दे रहा है लेकिन यहां पर मास कम है तो फोर्स बराबर था तो उसका मैग्नीट्यूड यहां पर इक्वल रिफ्लेक्ट होना चाहिए

जो आपके पास में फोर्स की क्वांटिटी है इसको बढ़ा दिया तो इसको बढ़ाते ही क्या हो गया मास तो सेम है लेकिन एसेलरेशन बढ़ गई है तो यहां पर आप देखेंगे कम फोर्स पे ये कम दूर जाता है लेकिन ज्यादा फोर्स पे ज्यादा एसेलरेट होता है यानी ज्यादा दूर तक जाती है बॉल सो दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन और यहां पर हम देखेंगे कि यदि आपके पास बराबर फोर्स है आप एक ही दम से धक्का लगाते हैं तो आप एक कार को बहुत कम धक्का दूर तक ले जा सकते हैं धक्का लगा सकते हैं लेकिन यदि आप छोटी ट्रॉली या छोटा कोई बेबी सीटर आप पुश कर रहे हैं तो वो आप सेम फोर्स पे ज्यादा तेजी से आगे तक पुश कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एक्सेलरेशन तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग जो व्हीकल परफॉर्मेंस है इसमें काम में लेने वाले हैं ओके सो नाउ लेट्स सी वट इज प्रोपोल्शन यूनिट डू तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोपोल्शन है वो क्या होती है और वो कैसे काम करती है

तो इस तरीके से अलग अलग आ, एनर्जी सोर्स हो सकते हैं लेकिन जो भी एनर्जी सोर्स है उसे हम प्रोपल्शन यूनिट बोलेंगे ओके सो दिस फोर्स ऑफ प्रोपल्शन यूनिट हेल्प द व्हीकल टू ओवरकम द रेजिस्टेंस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एयर एंड टायर रेजिस्टेंस तो जो प्रोपल्शन यूनिट होती है जो भी किसी गाड़ी में लगी होती है कोई भी पावर सोर्स या इंजन सोर्स तो वो क्या करता है वो एक फोर्स प्रोवाइड कराता है इंजन को आ, गाड़ी को और वो किसके अगेंस्ट काम करती है जो भी रेजिस्टेंस गाड़ी पे लग रहे हैं रेजिस्टेंस क्या होते हैं जो भी उस गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकने का काम कर रहे हैं तो उनको जब हम हराएंगे उनको ओवरकम करेंगे तभी हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी तो वो कौन कौन से रेजिस्टेंस हो सकते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी जो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द एयर जो विंड आगे से आ रही है उसकी वजह से एंड टायर रेजिस्टेंस जो पहियों के बीच में पहियो रोड के बीच में जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो तो ये हम यदि हम डायग्राम को देखें नीचे तो आप देख पा रहे हैं कि एक ट्रक आपको दिखाया हुआ है एक स्लॉट हाइट पर वो चढ़ रहा है द स्लोप इज शोन आई यहां पर आई दिखाया हुआ है आपको स्लोप तो सबसे पहले बात करें हम एयर रेजिस्टेंस की तो आपको आगे से ऑफर हो रहा है ये सामने से जो एयर आती है वो एयर रेजिस्टेंस कहलाता है जो कि आपकी गाड़ी पे सीधे टकराता है डिनोटेड विथ एफ ए इसी तरीके से जो टायर और इसके बीच में है वो है आपके पास में रोलिंग रेजिस्टेंस क्योंकि आपका गाड़ी आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है तो रोलिंग रेजिस्टेंस अपोजिट साइड में लग रहा है ओके एंड देन वन कंपोनेंट इज देयर दैट इज वेट तो यहां पर आपको दिख रहा है गाड़ी का तो दिस इज योर वेट ऑफ द व्हीकल तो यहां पर जो वेट है आपका कंपोनेंट वो क्या हो रहा है बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ठीक है लेकिन हम जानते हैं ऑलरेडी हम पढ़ते आए हैं कि हम लोग उसके दो कंपोनेंट लेते हैं यदि किसी भी स्लांट पर है तो हम क्या करेंगे इसका दो कंपोनेंट लेंगे एक तो आप इस नॉर्मल पे लेंगे इस प्लेन के नॉर्मल पे जो स्लांट प्लेन है उसके नॉर्मल पे और एक उसके 90 डिग्री पे तो जो ये 90 डिग्री पर है यानी कि इस प्लेन के पैरल जो फोर्स लग रहा है दिस इज कॉल्ड ग्रेट रेजिस्टेंस तो क्या होगा ग्रेट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द साइन कंपोनेंट ऑफ दिस वेट तो जो भी ये है एम है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा या यहां पर देखें तो एम जी साइन आई तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ग्रेट रेजिस्टेंस ओके और ये आपके जो भी आपका मास है उसके ऊपर में डिपेंड करता है so let's uh, move forward so the next question arises the acceleration of the vehicle depends on what things to jo bhi hum acceleration ki baat kar rahe hain to acceleration kisi bhi vehicle ka kin kin baaton pe depend karta hai so let's try to understand कि सबसे जो पहली चीज है वो है the power delivered by the propulsion unit. तो जितनी power का engine होगा उतनी ज्यादा अच्छे से accelerate करेगा गाड़ी को तेज चलाने की क्षमता रखेगा तो पावर कैसे चेंज हो सकती है किसी इंजन की तो आप देखते हैं आपने सुना भी है कि आप बोलते हैं कि ये 800 सीसी की है फॉर एग्जांपल मारुति 800 हुआ करती थी 800 मतलब 800 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर वो उसकी कैपेसिटी है और उसी के हिसाब से वो पावर डिलीवर करती है कुछ आप गाड़ियां देखते हैं लाइक क्विड है वन थाउजेंड सीसी की उसी तरह से आप मारुति तो स्विफ्ट देखते हैं दैट इज ऑफ 1200 सीसी कुछ गाड़ियां 1500 सीसी की आती हैं और डीजल के अंदर में भी 1500 सीसी की आती हैं और जैसे जैसे सीसी बढ़ता है तो हम क्या करते बोल सकते हैं यानी कि वन पॉइंट टू लीटर का इंजन भी बोल सकते हैं ठीक है इस तरह से 1.5 का आप देखेंगे कि जो बड़ी गाड़ियां आती है टोयोटा आती है कॉलेस आती हैं उनमें 2 लीटर 2.4 लीटर इस तरह से बढ़ते जाता है तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि उसके अंदर में कितना क्यूबिक uh, कैपेसिटी के अंदर में आपका वॉल्यूम uh, है और उसी जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ही पावर वो ज्यादा जनरेट कर सकता है सो so, यहां पर आप जो फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर में आपको बताया हुआ है कि अप्रोक्सीमेट यूनिट साइज फॉर कंपेरिजन तो अलग अलग साइज के हमारे पास में यूनिट्स होती है लाइक like यहां पर एक हाइड्रोलिक पंप दिखाया हुआ है ये है वन थर्टी का और ये है वन सेवेंटी हॉर्स पावर के बराबर इसी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर जो इलेक्ट्रिक कार्स में यूज होती हैं, वो आ, अलग अलग रेंज की हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 110 किलोवाट की मोटर ली हुई है इज टू 147 हॉर्स पावर और यहां पर हमने डीजल इंजन की एक बात करी है तो इट इज ऑफ 132 थर्टी टू और ये बराबर होता है 175 हॉर्स पावर के तो यदि आप बड़ा इंजन लेंगे या बड़ा पावर सोर्स लेंगे तो ऑब्वियसली आपका एसेलरेशन ज्यादा होगा सो इट इज द फर्स्ट कंडीशन कि एसेलरेशन किसी भी व्हीकल का किस बात पर डिपेंड करता है दूसरी यदि हम बात करें तो रोड कंडीशन तो अलग अलग रोड कंडीशन पे एसेलरेशन अलग अलग आता है तो यहां पर आप जो सेकंड फिगर नीचे देख पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहां पर अलग अलग तरह के की रोड हमारे को मिलती है और यदि हम देखें कि बैड रोड यदि कहीं जहां टूटी फूटी सड़कें रहती हैं तो हम उनको क्या बोल सकते हैं अन सड़कें रहती हैं उनको बैड रोड बोल सकते हैं और वहां पर एसेलरेशन आपको कम मिलेगी यानी आप गाड़ी तेज चलाना चाहेंगे तो नहीं चल पाएगी यदि आपकी सीसी ज्यादा है तो भी आपको जो बैड रोड्स है वहां पर कम एसेलरेशन मिलती है ऑन द अदर एंड यदि आप गुड रोड की बात करें यदि बिल्कुल सही रोड बनी है हाईवे की अच्छी रोड है तो वहां पर आपको अच्छी एसेलरेशन मिल सकती है एंड द थर्ड थिंग इज जो आप देख रहे हैं आई जूम दिस तो दिस इज पॉट होल्स तो इस तरीके के जहां पर होल्स होते हैं वहां पर भी एसेलरेशन आपकी क्या होती है एकदम से ड्रॉप हो जाती है एकदम से कम हो जाती है ठीक है सो दिस इज अबाउट यर रोड कंडीशन तो आपकी जो एसेलरेशन है वो इन बातों पर भी डिपेंड करती है देन द थर्ड थिंग इज द एरो ऑफ अ व्हीकल तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में यदि समझना हो तो हम अलग से कभी लेक्चर लेंगे लेकिन शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एरोडायनेमिक्स क्या होता है बेसिकली एक उसका स्ट्रीम लाइन होता है कि किस तरीके से गाड़ी को डिजाइन किया गया है तो जो हवा आ रही है सामने से जो भी एयर जेट आ रही है वो किस तरह से उस गाड़ी पे रिफ्लेक्ट करेगी और क्रॉस करेगी तो यदि हम आगे से किसी चीज को पैनी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा एरोडायनोमिक्स मिलता है क्योंकि जो हवा होती है वो क्या होती है उसके ऊपर में से बहुत क्लोजली फॉलो फ्लो होती हुई बाहर निकल जाती है तो अच्छा डिजाइन मानते हैं लेकिन यदि हम बड़ी से ट्रक की बात करें तो बहुत ज्यादा एयर उसके सामने टकराती है तो एरोडायनोमिक्स वहां पर पुअर माना जाएगा और उससे रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा ठीक है तो यहां पर इसको समझने के लिए आप देख पा रहे हैं एक डायग्राम तो यहां पर हमारे को साइबर ट्रक दिखाया हुआ है जिसके अंदर में आप देख रहे हैं इसका एरोडायनेमिक्स जो है वो बेटर है और नीचे वाले में यदि आप देख रहे हैं प्लग बी को तो यहां पर आप देख रहे हैं इसका एरोडायनेमिक्स थोड़ा सा इसके कंपेयर में खराब है तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि आप देखेंगे तो यहां पर जो ट्रेलिंग साइड है यहां पर आप देखेंगे कि एक जोन आपको ब्लू कलर में दिख रहा है तो ये जोन जितना कम होगा उतना ही हमारी गाड़ी के लिए अच्छा होगा ठीक है और आगे भी हमारे पास जो ऑप्स्टिकल हो रहा है जितनी जिसपे हमारी एयर टकरा रही है वो भी कम से कम हो तो हमारे लिए ज्यादा बेटर है तो ये हमारे को शो करता है हमारी एरोडेमिक्स जैसी है तो यदि अच्छी एरोडानेमिक्स है यदि हम रेसिंग कार्स की बात करें तो वो बहुत ही आगे से छोटी होती हैं और झुकी हुई होती हैं तो उससे क्या होता है हवा बहुत तेजी से उसमें से क्रॉस होती है तो उनकी स्पीड अच्छी मिलती है अल्टीमेटली एसेलरेशन अच्छा मिलता है तो हम एसेलरेशन की बात करें तो एरोडानेमिक्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर व्हीकल परफॉर्मेंस देन द फोर्थ वन इज द कंपोजिट मास ऑफ द व्हीकल यानी कि उसका ओवरऑल मास कितना है कितना उस कितना साइज है उसका कितना वेट है उसका तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छे से एक्सेलरेट करेगा तो हम फोर्थ फिगर में यदि हम बात करें एक कार की और एक ट्रक की या बस की यदि हम सेम सीसी का इंजन भी लगा दें तो भी हम देखेंगे हमें अच्छा एक्सेलरेशन कार में मिलेगा क्योंकि उसका वजन जो है वो कम है कंपेयर टू योर बस तो ये भी एक फैक्टर है जो कि हमारी व्हीकल परफॉर्मेंस में एक्सेलरेशन को डिफर करता है सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दीज फोर पैरामीटर्स नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वट इज व्हीकल डायनेमिक्स तो व्हीकल डायनेमिक्स का मतलब क्या है कि एक तो जब गाड़ी आपकी स्टैटिक कंडीशन में खड़ी होती है तब उस पर जो भी फोर्सेज और लोड लग रहे हैं और दूसरा जब गाड़ी चल रही होती है तो उस कंडीशन में कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं और किस तरह से वो गाड़ी आगे बढ़ रही है कौन कौन से फोर्सेस उसको रिपेल कर रहे हैं रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वॉट इज व्हीकल डायनेमिक्स तो व्हीकल डायनेमिक्स में यहां पर आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं आपके सामने और इसके अंदर अगेन एक कार आपको दिखाई हुई है और अलग अलग फोर्सेज आपको दिखाए हुए हैं सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल अप्लाइड फोर्सेज आर शोन इन दिस फिगर सो एज यू कैन सी दिस फिगर डिवाइड ऑल द फोर्स इन टू टू डायरेक्शन सच दैट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट उसको हम एफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट एफ टी आर ठीक है जो भी रिएक्शन है या जो भी इसको रिएक्ट कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि यदि हमारे पास ये कार है और ये अपवर्ड मूवमेंट कर रही है तो यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज वी तो वी इज दसिटी लीनियर वेलोसिटी इस कार की और जो भी कंपोनेंट इसको फेवर कर रहे हैं यानी हम जो कंपोनेट्स इसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं उनको हम एफ टी से डिनोट करेंगे और जो भी कंपोनेंट इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं या रेजिस्टेंस का प्रयास कर रहे हैं तो हम उनको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यदि देखें तो दोनों का रिजल्टेंट ही ये डिसाइड करता है कि हमारी जो लीनियर वेलोसिटी है वो कैसे चेंज हो रही है तो यदि हम बात करें तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डीवी अपॉन डीटी जो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या होगी हमारे पास में जितने भी फोर्सेस हैं जो फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं समेशन ऑफ दैट तो समेशन ऑफ एफ टी माइनस समेशन ऑफ एफ टी आर यानी जितने भी उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा तो जितने आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और जितना उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनका हम डिफरेंस लेंगे डिवाइडेड बाय वी ठीक है मास ऑफ द व्हीकल तो ये टोटल मास ऑफ द व्हीकल है यहाँ पर जो कि ग्रेजुअली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहता है तो यहां पर हम देख रहे हैं दिस इज योर मास इनटू ग्रेविटी सो दिस इज एम वी जी यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है जैसा हमने बात की थी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं this is alpha, ये है हमारे पास ग्रेट रेजिस्टेंस जिसकी हमने बात करी थी इट इज अ साइन कंपोनेंट तो जो भी आपके पास में टिल्ट uh, है उसका साइन कंपोनेंट से हम लोग ग्रेट रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं टायर और जो सरफेस है इसके बीच में क्या हो रहा है रोलिंग रेजिस्टेंस काम कर रही है जो कि अगेन इस जो मूवमेंट है इसको रोकने का काम करती है तो उन सब जो, जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है हम उसको में रखेंगे, और जो भी इसको पावर होती है उसको हम एफ टी मेंिसन सो नाउ लेट्स ट्राई टू एलोबरेट दिस तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि वी जो है वो व्हीकल स्पीड है इसी तरह से एफ डब्ल्यू जो है आप सामने देख रहे हैं ये विंड फ्रिक्शन है जो विंड के कारण यहां पर हमको देखने को मिल रहा है एफ टी जो है वो टोटल ट्रैक्टिव फोर्स है जो आप एफ देख रहे हैं ये टोटल ट्रैक्टिव फोर्स आपको नजर आ रहा है इसी तरह से एफ टी आर है वो टोटल रजिस्ट्री फोर्स है सारों को यदि हम जोड़ देते हैं तो एफ टी आर जैसे जो हम लोग ऊपर यूज कर रहे हैं देन वी हैव एम वी जो कि टोटल वेट ऑफ द व्हीकल है ओके नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज व्हीकल डायनेमिक्स मॉडलिंग तो हम यदि हम समझें कि हमारा जब टायर घूमता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है सो व्हीकल मूवमेंट इज अपोज बाय जब भी गाड़ी चल रही है तो उनको तीन बेसिक जो है अपोजिशन मिलते हैं सबसे पहला अपोजिशन मिलता है रोलिंग रेजिस्टेंस की वजह से दूसरा मिलता है एरोडाने ड्रैक की वजह से जो उसकी शेप और साइज पे डिपेंड करता है और थर्ड मिलता है अपहिल रेजिस्टेंस यानी कि मान लीजिए गाड़ी किसी टिल्ट पर चल रही है तो उसमें जो एंगल है उसकी वजह से क्या होगा उसको एक रेजिस्टेंस और मिल जाएगा दैट इज कॉल्ड अपहिल रेजिस्टेंस तो ये तीन जो मेजर uh, uh, जो अपोजिशन क्रिएट करते हैं वो ये तीन रेजिस्टेंस हैं

तो ये होता क्यों है इसके फिनोमिना को यदि हम समझना चाहें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी टायर होता है जब वो रोड के ऊपर में चलता है तो क्या होता है वो रोड के साथ में रोलिंग करता है परफेक्ट रोलिंग करता है किसी तरह से स्लाइड नहीं करता है तो होता यह है कि जब रोड के ऊपर में आपका टायर आगे बढ़ता है तो क्या होता है वहां पर दोनों के बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है क्योंकि ऊपर से लोड लग रहा है गाड़ी का खुद का वेट है तो उसकी वजह से क्या होता है डिफॉर्मेशन होने की कोशिश करता है तो जो टायर होता है और जो रोड सरफेस है वो दोनों डिफॉर्म होने की कोशिश करती है बट ये डिपेंड करता है कि उनकी इलास्टिसिटी कितनी है मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है उसकी वजह से वो कितना डिफॉर्म हो पा रहा है तो रबर होता है वो आराम से डिफॉर्म हो पाता है तो हम देखते हैं कि उसका जो आगे का पोर्शन है जब कोई भी टायर घूम रहा है तो उसका जो आगे का पोर्शन है वो क्या करता है जब जैसे ही लोड आगे की तरफ बढ़ता है तो वहां पर वो क्या होता है इकट्ठा हो जाता है यानी कि जब वो नीचे जा रहा होता है तो यहां पर जो कुछ हिस्सा होगा वो क्या होगा इसका टायर का एक्स्ट्रा निकल जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि ये जो हिस्सा है ये फॉरवर्ड मूवमेंट है तो यहां पर जो टायर का जो पोर्शन होगा वो क्या होगा थोड़ा सा यहां पर एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाएगा कंसंट्रेटेड हो जाएगा और यदि रोड फ्लेक्सिबल होगी तो हम देख सकते हैं कि रोड को भी वो बाहर की तरफ पुश करेगा लेकिन हमारे केस में क्या होता है हम जो डामर की रोड देखते हैं तो वो उसको बाहर की तरफ पुश नहीं करता लेकिन यदि हम मिट्टी की कच्ची मिट्टी पे चलाएंगे तो हम देखेंगे जैसे टायर आगे जा रहा है तो आगे की मिट्टी जस्ट टायर के आगे की मिट्टी बाहर की तरफ उठ रही है ठीक है तो इससे क्या हो जाता है कि जो इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स पैटर्न फर्स्ट तो हम इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम तो हमने यहां पर इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताया है कि किस तरह से पैटर्न फॉलो होता है तो रोलिंग रेजिस्टेंस को जब हम समझते हैं तो यहां पर एक आपको डायग्राम दिख रहा है ये बेसिकली टायर है और ये रोड सरफेस है तो ये जो आपको एक्सेस दिख रही है ये आपके पास में रोड सरफेस है तो यदि हम टायर की बात करें तो टायर क्या होता है नीचे तक पूरा टच नहीं होता पॉइंटेड टच नहीं होता तो ये कितना टच होता है ये थोड़ा सा दब जाता है कभी भी टायर जब चलता है तो वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं चलता है वो थोड़ा सा दबा हुआ चलता है जब भी आप कभी देखते होंगे हवा कम होती है तो ये ज्यादा नजर आने लगता है लेकिन जब अप्रोप्रिएट आप हवा बढ़ते हैं यानी टायर इंफ्लेशन यदि एक्यूरेट होता है तो भी इसको थोड़ा दबना जरूरी है तो ये थोड़ा दब जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है जो नेट रेडियस है वो भी आपका कम हो जाता है यहां पर ठीक है तो यदि हम इस फिनोमिना को देखें यहां पर तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो आगे का पोर्शन है जो टायर का फ्रंट पोर्शन है जहां से वो रोल कर रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है आपके पास एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो यहां पर क्या हो गया आपके पास में कंप्रेशन जोन हो जाता है और जो पीछे का टायर जो मिड पॉइंट है उसके बाद का यदि हम हिस्सा देखें तो वहां पर क्या होता है वो टायर आगे खींचने की कोशिश करता है क्योंकि उसको रोल होके वापस आना है तो इधर से वो खींचने की कोशिश करता है और इधर से वो दबाने की कोशिश करता है तो हाफ पोर्शन के इनिशियल जो आगे वाला पोर्शन है वो क्या है? हो रहा होता है कंप्रेस हो रहा होता है क्योंकि आगे से फोर्स आ रहा है और ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है तो सेंटर तक क्या हो रहा है वहां पर कंप्रेशन फोर्स लाई करता है और हाफ के बाद की देखिए तो वो खींचने की कोशिश कर रहा है तो इलास्टिक फोर्स वहां पर एक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक रिकवरी तो ये जो दोनों का ग्राफ है तो हम देखेंगे कि जो प्रेशर है बीच में लगना चाहिए था बिल्कुल सेंटर में लगना चाहिए था टायर के वो शिफ्ट हो जाता है इसकी वजह से व्हीकल के मूवमेंट के साथ में तो जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे ये शिफ्टिंग बढ़ती चली जाएगी तो हम ये देखेंगे कि ये जो आपके पास में नॉर्मल फोर्स था जो आप देखेंगे जो गाड़ी का वेट था पी वो क्या हो रहा था बिल्कुल सेंटर लाइन से पास होना चाहिए था लेकिन दैट रिएक्शन इज शिफ्टेड नाउ

ठीक है और ये एक्चुअल रेडियस था लेकिन ये डायनामिक रेडियस रह गया डायनामिक रेडियस किसको बोलते हैं कि जो भी आपके पास रेडियस बचा है तो आर ना रह होगा ठीक है तो दिस इज डिनोटेड विध आर डी ओके तो आपको ये आई होप डायग्राम समझ में आ गया होगा सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सो फर्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट इज वॉट इज रोलिंग रेजिस्टेंस मूवमेंट तो यहां पर जो रोलिंग हो रही है उसका मोमेंट कैसे निकालेंगे हम तो हम उसको डिनोट करते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस मोमेंट को टी आर से ओके एंड इट इज इक्वल टू पी इंटू ए तो जो ये पी है ये आप देख रहे हैं इसका रिएक्शन तो ये क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है तो यदि हम इस रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग इस पी को देखेंगे तो पी इंटू ए यानी कि जो फोर्स है इंटू डिस्टेंस तो हमारे पास डिस्टेंस ए है और पी फोर्स है

आगे की तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रहा है और इस पॉइंट के कॉरस्पेंडेंट यदि हम एफ का मूवमेंट निकालें तो आप देखेंगे कि दिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में होगा एफ तो फोर्स है और इसने यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर डी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट इट लाइक दिस कि एफ इंटू आर डी तो ये जो होगा ये क्या होगा इसका जो डायरेक्शनल मूवमेंट है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है तो ये मूवमेंट हमारे पास में क्या होगा एफ इंटू आर डी तो ये हमारे पास में देखेंगे आप यहां पर सो so, अब आप देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है यहां पर कि आपके पास में जो फोर्स है अभी जो मैंने बताया यदि आप इसको आर डी से मल्टीप्लाई कर दें यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स इंटू आर डीज अगेन टी आर तो हमारे पास में यदि हम दोनों को इक्वल करते हैं हम मानते हैं कि यदि हम दोनों को बराबर करते हैं तो हमारे पास में जो ये वाला आपके पास में जो फोर्स है दिस पी इंटू ए ये आपका एंटी क्लॉक है और फोर्स जो आपके पास में अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से प्रोपल्शन हो रहा है वो एफ फोर्स है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एफ इंटू आर डी तो ये जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वी कम अप विद दिस इक्वेशन इज टू अपॉन ठीक है और टी आर में हम ऊपर से वैल्यू पुट कर सकते हैं दैट इज ए तो पी इंटू ए की जब हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी अपॉन आर डी ठीक है तो एज इट इज आ गया तो आप यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट देखेंगे कि ये जो ए है यानी सो दिस ए अपॉन आर डी इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस तो हम यदि बात करें इसको हम एक कोफिशियंट मान सकते हैं दिस इज ए अपॉन आर डी तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं पी इंटू सी आर और दिस इज कॉल्ड कोफिश ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट uh, कर सकते हैं यदि हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज कोफिशियंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस तो हम सीधे बता सकते हैं हमारे पास दो तरीके हैं बताने के लिए कि ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस इज टू ए अपॉन आर डी तो हम ए अपॉन आर डी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ए क्या होता है जो भी आपके पास में यहां से फॉरवर्ड मूवमेंट डिस्टेंस है और आर डी क्या है डायनेमिक रेडियस या फिर आप इसको सीआर uh, को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एफ अपॉन पी तो यदि हम फोर्स जो है आपका अट्रैक्टिव फोर्स है डिवाइडेड बाय जो आपके पास में व्हीकल का नॉर्मल रिएक्शन है उसको हम डिवाइड करें तो भी हम क्या कर सकते हैं कोफिशियंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस थिंग तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ऑल दिप्रिवेशन आर पुटिंग टुगेदर सो और ये आपको सिंपल डायग्राम से समझाने की कोशिश की गई है जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि यहाँ पर रोलिंग uh, जो आपके पास में हो रही है वो इस तरीके से हो रही है और जो नॉर्मल फोर्स है वो इस तरीके से लग रहा है आपके पास में ठीक है और नॉर्मल फोर्स जो रोड के ऊपर से लग रहा है वो आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है इज ए अवे फ्रॉम योर सेंटर पॉइंट ओके नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रोलिंग रेजिस्टेंस कोफिशियंट तो ये जो होता है रोलिंग रेजिस्टेंस ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड तो जो रोलिंग रेजिस्टेंस होता है वो सबसे पहली जो चीज होती है वो टायर का मटेरियल कैसा है तो रोलिंग रेजिस्टेंस यदि टायर सॉफ्ट है तो ज्यादा रोलिंग रेजिस्टेंस मिलेगा यदि वो ज्यादा और बहुत ज्यादा स्ट्रिप है बहुत ज्यादा टाइट बना दिया तो हमारे पास स्लिप ज्यादा होने लग जाएगी तो हमारा टायर का मटेरियल कैसा है उस पर रोलिंग रेजिस्टेंस जो कोफिशेंट है वो डिपेंड करता है टायर का स्ट्रक्चर कैसा है तो हम लोग जानते हैं कि टायर पे अलग अलग ट्रेड्स होते हैं टायर का अलग अलग शेप होता है हमारे पास रेडियल टायर भी होते हैं हमारे पास क्रॉस प्लाई टायर भी होते हैं तो किस तरह का शेप है किस तरह का टायर का स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है देन थर्ड थिंग इज टायर टेम्परेचर तो देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ने शुरू हो जाते हैं टायर के अंदर में तो टायर का टेम्परेचर भी आपके जो रोलिंग है है इसको सफर करता देन वी हैव टायर इन्फ्लेशन प्रेशर तो हम हमेशा बोलते हैं कि टायर में हमेशा अप्रोप्रिएट हवा रखिए क्योंकि यदि आप टायर में एक लिमिट से कम हवा रखेंगे तो जो होगा जो अभी हमने बात करी आरडी वो और कम हो जाएगा और आरडी कम होने से हमारे पास जो कोफिशियंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस है वो बहुत बढ़ जाएगा और उससे अल्टीमेटली क्या होगा आपका जो जो फ्यूल इकोनॉमी है, जो एवरेज आता है, गाड़ी का, वो बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा टायर में हवा प्रॉपर रखनी चाहिए कभी टायर में ज्यादा हवा रखनी नहीं चाहिए क्यों क्योंकि अभी हमने बात करी कि वहां पर कुछ दबना जरूरी भी है यदि हम मान लेते हैं कि हम बिल्कुल हवा ओवर इन्फ्लेट कर देंगे तो एक पॉइंट कॉन्टेक्ट हो जाएगा नीचे जाकर के वो क्या करेगा फ्लैट नहीं होगा और बहुत कम फ्लैट हो पाएगा तो उस वजह से क्या होगा वहां स्लिप ज्यादा हो जाएगी यानी कि टायर पकड़ नहीं कर पाएगा अपनी रोड के साथ में और वहां स्लिपिंग ज्यादा शुरू हो जाएगी तो वो भी हमारे लिए नुकसान क्रिएट होता है इसीलिए जो भी प्रिस्क्राइब्ड इन्फ्लेशन प्रेशर होता है वही हमको गाड़ी में रखना चाहिए देन वी हैव टायर ज्योमेट्री तो टायर की ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह की ज्योमेट्री है किस तरह की उसके अंदर में ओवरऑल टेक्सचर है तो उस पर भी ये चीज डिपेंड करती है कि आपका रोलिंग रेजिस्टेंस रेजिस्टेंसिशंट कैसा हो देन वी हैव रोड uh, रफनेस यदि रोड ज्यादा रफ है या कम रफ है उस पर भी अभी हम देखेंगे कुछ डेटा तो उस पर भी ये डिपेंड करता है कि रोलिंग रेजिस्टेंस कोफिशियंट कम है या ज्यादा है देन वी हैव रोड मटेरियल तो रोड अलग अलग तरह की मटेरियल की बनी होती है पक्की सड़कें होती हैं कच्ची सड़कें होती हैं कई बार उसके ऊपर में बजरी फैली हुई होती है कई बार उसमें कीचड़ होता है मिट्टी होती है तो हर एक पर अलग अलग रोलिंग रेजिस्टेंस हमको मिलेगा ओके देन वी हैव प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लिक्विड ऑन द रोड सरफेस तो मान लीजिए रोड के ऊपर में कोई लिक्विड uh, फैला हुआ है कोई ऑयल फैला हुआ है या पानी फैला हुआ है या बर्फ फैली हुई है तो भी आपके पास में जो रोड uh, के ऊपर में जो रोलिंग कोफिशेंट uh, uh, है वो चेंज होता जाएगा तो इतने सारे पैरामीटर है जिन पर ये सारी चीजें डिपेंड करती है नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट तो हम थोड़े से एक्साम्पल से समझते हैं कि किस तरह से जो कोफिशेंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस है वो चेंज होता है तो आपके सामने एक टेबल दिखा रखी है विच इज अ जनरल टेबल तो इसमें कुछ आपको डेटा दिखा रखे हैं तो हमें डेटा याद नहीं रखने रटने नहीं है लेकिन हमें एक आइडिया होना चाहिए कि, कि किस रेंज में वेरी करता है और किस तरह से वेरी करता है तो जैसे आप देख रहे हैं कि रेल रोड स्टील ऑन स्टील रेल्स यानी जब हमारी ट्रेन चलती हैं और वहां पे तो पटरियां भी लोहे की होती हैं वहां पर तो जो आपका व्हील होता है वो भी लोहे का होता है तो हमारे पास रोलिंग रेजिस्टेंस तो बहुत कम होना चाहिए तो हम वहां देखते हैं पॉइंट जीरो जीरो वन से पॉइंट जीरो जीरो टू की रेंज में ये रोलिंग रेजिस्टेंस होता है इसी तरह से यदि हम bicycle tyre on wooden track देखें तो अच्छा रोलिंग रेजिस्टेंस रहेगा तो इट इज अगेन 0.001 तो इस तरीके से ये होता है यदि हम देखें बढ़ते हुए में तो हम यहाँ देखेंगे bicycle tyre on rough paved road तो जो डामर की रोडों पे यदि हम bicycle का टायर को देखें तो उसकी जो कोफिशिएंट है वो बढ़ा हुआ है 0.008 है इसी तरह से यदि हम देखें यहाँ पर तो जो trucks टायर ऑन एशफॉल्ट रोड जो हम पे देखते हैं तो ये भी रेंज काफी बड़ी हुई है यहाँ पर पॉइंट से लेकर के पॉइंट तक की रेंज आती है यानी काफी ज्यादा कोफिशियंट हमको मिलता है इसी तरह से कार टायर्स ऑन कंक्रीट न्यू एसफॉल्ट कोबल्स स्मॉल न्यू तो इस तरह से अलग अलग तरह की रोड्स पे अलग अलग हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि कार जो टायर्स हैं यदि वो एसफाल्ट रोड पे होते हैं तो जो कोफिशियंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है वो पॉइंट है इसी तरह से यदि हम देखें कार टायन ग्रेवल्स ग्रेवल्स क्या होता है बजरी जो होती है उसके ऊपर में यदि कार टायर होता है तो भी अगेन पॉइंट जीरो टू है और यदि हम कार टायर ऑन कोबल्स बात करें यानी कि पथरीला जो होता है उस पर पॉइंट जीरो थ्री है यानी ये बढ़ जाता है तो इस तरीके से हम देखेंगे तो एक हमें ट्रेंड समझ में आएगा कि जैसे जैसे फ्रिक्शन सर्फेस दोनों के बीच में बढ़ रही है उस तरह से हमारे पास में जो कोफिशेंट है वो बढ़ता चला जा रहा है ओके नाउ द नेक्स्ट फिनोमिना विच वी हैव शोन इज एरोनामिक ट्रैक तो जो एरोडायनामिक्स होता है वो बेसिकली क्या होता है हमने बताया है, जो सामने से हवा आती है वो किस तरह से आपके व्हीकल को क्रॉस कर रही है इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर में कितनी अच्छी एसेलरेशन मिलेगी तो जैसा कि आप यहां पर डायग्राम में देख रहे हैं फर्स्ट डायग्राम में आपको कि जो एयर स्ट्रीम से जो आगे से हवा आ रही है वो इस आगे के जो आप बंपर देख रहे हैं उससे टकरा करके किस तरह से वो पीछे की तरफ में जा रही है तो जैसे जैसे शेप गाड़ी का चेंज होता है उसी तरीके से उसमें टकराने की जो क्वांटिटी होती है वो अलग अलग हो जाती है और वो अलग अलग तरीके से उस पर प्रेशर क्रिएट करती है ड्रैग क्रिएट करती है किसी भी व्हीकल पर ठीक है तो सेकंड डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं यहां पर ये यह जो है आपका ये एरोडोमिक्स थोड़ा सा यहां पर बढ़ा दिया तो यहां पर एयर आपकी ज्यादा टकरा रही है और पीछे की साइड में ये लॉन्ग होकर एकदम से खत्म कर दिया है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एरिया है थोड़ा सा आपको हल्का ज्यादा मिल रहा है जबकि यहां पर आपको एरिया कम मिल रहा है क्योंकि इसने जो टेल है उस तरफ में भी टिल्टेड टेल यूज करी है यानी पीछे की तरफ झुकी हुई टेल यूज करी है ठीक है तो ये भी हम अभी आगे समझेंगे कि इससे क्या फायदा होता है तो यदि हम एरोनामिक ड्रैग को कैलकुलेट करना चाहें तो जो ड्रैग फोर्स होता है वो होता है हाफ रो वी स्क्वायर सी डी इंटू ए तो यहां पर हम समझते हैं कि हाफ के बाद रो क्या है रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर तो यहां पर आप देख रहे हैं जो भी एयर की बात करें या फ्लूड भी ले सकते हैं यदि हम किसी और फ्लूड इसको टेस्ट करते हैं तो तो जनरली हम यहाँ पर एयर डेंसिटी की बात करते हैं तो जैसे जैसे एयर गर्म होती है गर्मी के दिनों में तो एयर डेंसिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है और ठंडे टाइम में ये एयर डेंसिटी बढ़ जाती है इसी तरह से यहां पर दिखाया हुआ वी स्क्वायर वी इज द वॉट वी इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द फ्लू तो जो वी है लीनियर वेलोसिटी है यहाँ पर इसके स्क्वायर से आपका जो एरोडानेमिक्स है वो सफर होता है यानी आपकी आप डबल करते हैं तो चार गुना आपके पास में क्या बढ़ जाती है आपके पास में ड्रैग फोर्स बढ़ जाता है क्योंकि ये स्क्वायर हो जाता है सीधे सीधे इसी तरीके से यदि हम देखें सी डी सी डी इज ए कोफिशियंट यहाँ पर हम एक कोफिशियंट होता है और ये इनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं और ये डायमेंशनल होता है तो हम एक टेबल से समझ सकते हैं अलग अलग कोफिशियंट्स uh, को कि किस ऑब्जेक्ट पे किस शेप पर क्या ड्रैग कोफिशियंट होता है इट इज प्री कैलकुलेटेड इसी तरह से हम ए यूज कर रहे हैं ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हमें ये देखना है कि जो सामने से हवा आ रही है वो कितने एरिया को टच कर रही है तो क्रॉस सेक्शनल के लिए हम क्या करेंगे गाड़ी को साइड व्यू से नहीं देखेंगे गाड़ी को फ्रंट व्यू से देखेंगे और बीच में से कट करेंगे तो जितना एरिया मैक्सिमम हम लोगों को निकल के आ रहा है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास में कैपिटल ए से डिनोट होगा तो ये सारी चीजें निकाल कर हम क्या कर सकते हैं एरोडायनामिक ड्रैग फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी व्हीकल के ऊपर में ओके okay? सो so, uh, as i said it depends on the फ्रंट शेप एंड एरिया ऑफ द व्हीकल तो जो भी फ्रंट का जो शेप है इसीलिए हम गाड़ियों की शेप अलग अलग रखते हैं आगे से बहुत अच्छी कई लोग समझते हैं कि डिजाइन का पार्ट है अकेला अकेला लेकिन ये डिजाइन का पार्ट नहीं है ये है इवन जो साइड्स में भी आप जो देखते हैं कर्व्स बनाए जाते हैं लग्जरी गाड़ी के अंदर में बहुत अच्छा उसका शेप दिया जाता है वो किस लिए होता है सो दैट योर एरोमिक्स विल बी बेटर ओके नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एरोनामिक्स डेग मोर इन डिटेल तो यदि हम देखें कि सिर्फ सामने की शेप जो होती है और साइज होता है क्या केवल उसी पे डिपेंड करता है तो ऐसा नहीं है जो पूरी बॉडी बनी है किस तरह की उसका कितना होगा प्लस उसके अलावा लो प्रेशर वेक यानी कि जो पीछे उसमें जो, उसमें जो लो प्रेशर जोन बनता है वो कितना बन रहा है उस पर भी ये चीज डिपेंड करेगी तो आप जैसे कि यहाँ पर एक वीडियो देख पा रहे हैं तो इसमें आपको दिखाया हुआ है कि नॉट ओनली फ्रंट जो आपके पास में पूरी बॉडी है उसके ऊपर में से भी एयर पास हो रही है और इसको हम कंप्यूटर सिमुलेशन से भी चेक करते हैं कि हमारे पास में कितना ड्रैग फोर्स क्रिएट हो रहा है तो जो इसे एयर पास होती है वो क्या करती है इस पूरी बॉडी से टच होती हुई निकलती है तो इसीलिए ये भी क्या करता है रेजिस्टेंस का काम करती है और यहां पर ये भी क्या करती है एक ड्रैग फोर्स लगाने का काम करती है इसकी वजह से गाड़ी की स्पीड कम होती है तो हमें ये सारी कैलकुलेशन बहुत डिटेल में जाके करनी होती है और यहां से जब हवा बाहर निकलती है यानी जो एयर पास होती है तो ये पीछे जाकर के क्या करती है यहां पर आप देखेंगे ये जो, जो जोन होता है ये यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर जोन हो जाता है यानी यहां पर हमारे पास में जो प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर से यहां पर कम हो जाता है और ये जब प्रेशर कम होता है तो ये अगेन क्या करता है हमारी गाड़ी को उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ने देता है बिकॉज इट विल ट्राई टू ऑब्सट्रेक्ट अवर व्हीकल तो हमारी गाड़ी को और तेज बढ़ने से रोकता है तो हम ये चाहते हैं कि ये जो वेक एरिया है ये लो प्रेशर जोन है ये कम से कम हो ये ज्यादा होगा तो क्या होगा आपके पास में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी तो दिस इज कॉल्ड वेक एरिया और ये लो प्रेशर वेक भी कहलाता है ठीक है यदि हम इस डायग्राम को देखें तो हमें इससे समझ में आ रहा है कि जो है आगे तो इंपॉर्टेंट है ही लेकिन पीछे की साइड में भी हम लोगों को उसको कर्व रखना चाहिए उस कर्व से क्या होता है जो एयर है वो क्या होती है बिल्कुल टच होती हुई नीचे तक जाती है तो जब नीचे तक होकर के वो क्रॉस करेगी तो यहां पर जो नेगेटिव जोन है वो बहुत कम बनेगा यदि हम एकदम से छोड़ देंगे तो उसका जो जोन है वो ज्यादा बनेगा और वहां पर नेगेटिव प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा इस चीज को समझने के लिए हम ये राइट वाला डायग्राम देखते हैं तो यहां पर यदि हम एक ट्रक को देखें तो आगे की तरफ तो बहुत हाई प्रेशर लग रहा होता है विंड का आगे आगे से से जो ड्रैग फोर्स है है गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। साथ ही साथ में जो पीछे का एरिया है तो इसका बहुत बड़ा एरिया जो होता है वहां पर नेगेटिव प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है गाड़ी और धीरे चलने लगती है ठीक है तो हम चाहते हैं कि कम से कम होना चाहिए ये वेक एरिया ठीक है तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं पीछे से भी इसकी जो एरोडाइनेमिक्स है उसको हम कोशिश करते हैं पीछे तक दबा के रखें तो जितनी गाड़ी आगे से छोटी होगी और धीरे धीरे उठेगी और इसी तरह से पीछे से धीरे धीरे नीचे जाएगी उतना ही एरोडाइनेमिक्स उसका ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा गाड़ी की स्पीड मिल पाएगी तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे पीछे से गाड़ी की हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे वेक एरिया बढ़ रहा है जो लो प्रेशर जोन है वो बढ़ता जा रहा है तो यदि हम इस लास्ट वालों को देखें तो इसमें बहुत ज्यादा आपके पास में लो प्रेशर एरिया नजर आ रहा है इस डार्क ब्लू से तो ये जो एरिया है ये क्या कर रहा है इस गाड़ी को तेज बढ़ने से रोक रहा है तो यदि हम सेम इंजन सेम सब कुछ रखें और बाकी चीजों को भूल जाएं तो भी एरोडानेमिक्स की वजह से यह गाड़ी तेज चलेगी ऊपर वाली और नीचे वाली गाड़ी उससे कंपेरेटिवली स्लो चल पाएगी ओके सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस एरोडानेमिक्स ड्रैग इन डिटेल सो फॉर अ रेफरेंस वी कैन चेक सम ऑफ द कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कि अभी हमने डिस्कस किया था तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी है और उसका कितना आ, होना चाहिए तो एक जनरल आपके पास में बॉडी शेप्स के साथ में कोफिशंट ऑफ एरमिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल बसेस का जो दिया है वो पॉइंट सिक्स से पॉइंट सेवन दिया है ट्रक्स का यहाँ पर पॉइंट एट से लेकर वन पॉइंट फाइव तक दिया है जो कि काफी ज्यादा है मोटरसाइकिल का अगेन कम है पॉइंट सिक्स से पॉइंट सेवन ही माना है वैन जो होती है उसका पॉइंट फाइव से पॉइंट सेवन रखा है और पेंटन जो बॉडी व्हीकल है उनका पॉइंट फोर से पॉइंट फिफ्टी फाइव रखा है

कम आपके पास में एरोडाइनमिक रेजिस्टेंस आई है एज कम्पेयर टू नॉर्मल व्हीकल्स में ठीक है सो द एरोमिक ड्रैग ओफिशियंट इज अ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एमलाइन एरो बॉडी शेप इन रिड्यूसिंग द एयर रेजिस्टेंस टू द फॉरवर्ड मोशन ऑफ अ व्हीकल तो जो भी एरोडाइनेमिक ड्रैग ओफिशियंट है वो इस तरह का मेजरमेंट है वो ये बताता है कि हमारी गाड़ी का जो एयर रेजिस्टेंस है वो कितना हो रहा है ठीक है तो ये डिपेंड करता है अलग अलग बॉडी के साइज पर और शेप पर

देयर इज ए हाई एयर रेजिस्टेंस वेन द वहीकल इज इन मोशन तो यदि मान लेते हैं हमारे पास में यदि ज्यादा आपके पास में एरोडाइनोमिक ड्रैक ओफिशेंट है इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि उस पर ज्यादा एयर टकरा रही है और उसकी जो ड्रैक फोर्स है उसपे बहुत ज्यादा लग रहा है और उसकी वैलोसिटी कम मिलने की हमारे को आशा है और इसी वजह से हमारी फ्यूल की जो कंजप्शन है वो भी बढ़ जाती है ओके सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर एंड आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द की फिनोमिना ऑफ यर व्हीकल परफॉर्मेंस

उसके बाद हमने जो जो डिटेल में डिस्कस किया वो हमने रोलिंग रेजिस्टेंस डिस्कस किया एरोडानेमिक ड्रैग किया और अपहिल तो अपहिल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं किया बिकॉज इट इज सिंपली योर अल्फा की कितने एंगल से वो टिल्ट हो रहा है जितनी जितनी रोड बढ़ती जा रही है बिकॉज साइन कंपोनेंट है वो बेसिकली तो हम जानते हैं कि जैसे, जैसे जैसे यदि हम प्लेन सरफेस की बात करेंगे रोड प्लेन है तो उसका कोई हमारे पर इफेक्ट नहीं आएगा अपहिल रेजिस्टेंस का लेकिन जैसे जैसे वो एंगल बढ़ रहा है तो हमारे पास ये क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी दिस इज ऑल फ्राम माई साइड होप यू हैव एंजॉयड द सेशन नाउ आई हैवे क्वेश्चन फॉर यू गायज दैट यू मे हर्ड अबाउट द मैग्नेटिक लेविटेशन तो जो मैग्नेटिक लेविटेशन वाली ट्रेन है जो कि जापान वगैरह में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है वो पटरी से उठ करके चलती है सो आई वुड लाइक टू नो कि उसमें रोलिंग रेजिस्टेंस कितना होता है तो अकॉर्डिंग टू यू वट मे बी द लिमिट और रेंज ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस इन दैट काइंड ऑफ व्हीकल्स सो प्लीज राइट इट इन योर कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे सेफ